अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील एएसआई साहब। इनसे आज हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि पंजाब पुलिस में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में। सर, आप नौजवान जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जमील एएसआई है, थाना सिटी करोड़ पक्का, डिस्ट्रिक्ट लोधा में पोस्टिंग है मेरी। मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सारे पढ़े लिखे नौजवान जो ज़्यादा तलीम याफ्ता हैं, एम एस सी हैं, एम ए हैं, पी ए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और एक अजीम फोर्स का हिस्सा बने। हदीस शरीफ का मफहूम है कि दो आँखें कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी, एक वो जो अल्लाह की याद में रोती है और दूसरी आँख जो अल्लाह की मखलूक की हिफाजत के लिए जागती है। मेरी 13 साल सर्विस हो चुकी है। पंजाब पुलिस के बारे में लोगों की जो भी राय हो, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक शख्स के भी काम आ जाएंगे, किसी एक शख्स का भी दिल की जो दर्द है दूर कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको बख्शने वाला है। और हदीस की रूह से ये एक जनती टोला है, पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए जागती है। मैं खुद भी सर रात गश्त करता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे पूरे पंजाब पुलिस जागती है। नौजवान तबका आए और पढ़े लिखे लोग अप्लाई करें ताकि पुलिस का जो कल्चर है वो तकरीबन तब्दील हो चुका है। मैं एमफिल कर रहा हूँ, एमए हिस्ट्री मेरी एजुकेशन है, इसी तरह कांस्टेबल भी एमएससी एमए है। पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तो हमारा माशरा का जो मनफी रुझान है वो ख़त्म होगा और अच्छे लोग इसमें आए। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि जमील साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, हदीस की रूह से भी बताया है और नौजवानों को एक अच्छा मैसेज दिया है, जो कि विलिंग हैं, ख्वाहिश रखते हैं पंजाब पुलिस में भर्ती होने की, तो वो ज़रूर इसमें आएँ, अप्लाई करें। मैंने इसकी इससे पहले मुकम्मल तफसील जो है उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि उस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मज़ीद कोई आपका सवाल होगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जज़ाकअल्लाह।